हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने स्टूल को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप उसको उसके ऊपर एक सॉफ्ट गद्दी सी आप बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो यहाँ पे मैं ले लिए हैं सारे बेकार से जो कपड़े आपके घर में, जितने भी बेकार से कपड़े होते हैं आप उसे ले लें अच्छे से। और यहाँ पे मैं आपको एक सूट का कपड़ा दिखा रही हूँ, यानी कि एक टाइप का ये बेकार सा कपड़ा ही है, मेरी मम्मी के सूट का है जो बिल्कुल बेकार हो गया, बिल्कुल फट गया। तो ये इसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन है, तो मैं इसको ऊपर कवरिंग के लिए यूज़ करूँगी। सब आप देखते जाइए कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने बेकार कपड़ों को स्टूल के ऊपर रख दिया है, बिल्कुल फ्लैट स्टूल के ऊपर। और यहाँ पे बेकार सी साड़ी जिसका कोई रीयूज़ नहीं हो सकता था, तो मैंने इसी का स्टूल बनाने का सोचा। एंड अब मैं जो ये सूट का कपड़ा है जिसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है इसके ऊपर रख दूँगी और उसको अच्छे से ये कर दूँगी, स्टिच कर दूँगी नीचे से। और इस सूट के कपड़े पे एक लेस भी लग रखी है ब्लैक कलर की, तो वो अभी मैं निकाल के आपको दिखाऊँगी किस तरीके से मैंने इसको काट के लगाया है। तो पहले काट के बाद में लगाऊँगी मैं इसकी लेस को। यहाँ पे मैंने पहले उसको तभी बेकार कपड़े उसको अंदर डाले हैं और जो डिज़ाइन वाला कपड़ा है उसको ऊपर लगा के यहाँ पे अंदर से मैं सेफ्टी पिन से अभी टाई कर रही हूँ, ताकि अभी एक टाइप से फिक्स टाइप का वो बना लूँ मैं। उसके बाद मैं अच्छे से स्टिच करके उसको बिल्कुल ही स्ट्रांगली मजबूत कर दूँगी। यहाँ पे आपके पास जो भी बेकार कपड़े होंगे आप उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग कुशन का यूज़ करते हैं, कई वीडियो में दिखाया जाता है कि कुशन का यूज़ करते हैं, पर आप यहाँ पे बेकार कपड़ों का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैंने बेकार कपड़ों का यूज़ करा है। और यहाँ पे जो आपका जो भी लेफ्ट कपड़ा बचेगा आप उसको उसके अंदर ही दबा दीजिए, तो और सॉफ्ट हो जाएगा आपका जो कुशन होगा ऊपर का स्टूल का। सो यहाँ पे मैंने काट लिया और आप देख सकते हैं ये लेस को मैं लगाऊंगी डेकोरेट करने के लिए। सब आप देखते जाइए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले उसको जितना भी बेकार कपड़े उसको अंदर डाले हैं और जो डिज़ाइन वाला कपड़ा है उसको ऊपर लगा के यहाँ पे अंदर से मैं सेफ्टी पिन से अभी टाई कर रही हूँ, ताकि अभी एक टाइप से फिक्स टाइप का वो बना लूँ। उसके बाद मैं अच्छे से स्टिच करके इसको बिल्कुल ही स्ट्रांगली मजबूत कर दूँगी।
यहाँ पे आपके पास जो भी बेकार कपड़े होंगे आप उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग कुशन का यूज़ करते हैं, कई वीडियो में दिखाया जाता है कि कुशन का यूज़ करते हैं, पर आप यहाँ पे बेकार कपड़ों का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैंने बेकार कपड़ों का यूज़ करा है और यहाँ पे जो आपका जो भी नेक्स्ट कपड़ा बचेगा आप उसको उसके अंदर भी बात दीजिए तो और सॉफ्ट हो जाएगा आपका जो कुशन होगा ऊपर का स्टूल का। तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे से स्टिच कर दिया है सारी साइड को। मैं आपको अच्छे से और दिखा देती हूँ। जो भी कपड़ा जो नीचे लटक रहा था मैंने उसे अच्छे से अंदर दबा दिया है ताकि और सॉफ्ट हो जाएगा हमारा जो कुशन गद्दी टाइप की, बहुत टाइट है एक तरीके से जिस तरीके से हमने सिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सबको जो भी कपड़ा जो लेफ्ट ओवर था वो बचा दिया अंदर डाल दिया। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेस जो थी मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने फिर एक लेस यहाँ निकाल दूसरी लेके यहाँ पे सिल दी क्योंकि उस पर वो लेस नहीं लग रही है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखिए आपको लेस इस तरीके से अलग नहीं छोड़नी, आपको दोनों लेस को स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरीके से ताकि वो सब बराबर ही बराबर लगे, अगर आप नहीं स्टिच करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। गद्दी अच्छे से तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियोस आपको किस चीज़ पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।